दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे पॉन्डिचेरी T10 मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा पैट्रियट्स वर्सेस स्मैशर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ में अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ, तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में आप एक क्लीन स्वीप भी करा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों बात करें अगर इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में नायडू है, बट अभी खेल नहीं रहे, खेलेंगे तो हम ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ओपन करते हुए नज़र आएंगे और फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इनके अलावा अगर देखोगे संभव का आपके पास ऑप्शन है, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 4 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 14 रन करे, फिर 24 रन इन्होंने करे, 14 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। वहीं जी तवर आपको ओपन करते हुए नज़र आएंगे, लास्ट रन में 7 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 6 रन इन्होंने करे, फिर 7 रन करे, इतना कुछ खास फॉर्म में रहा नहीं है। और दोनों विकेट कीपर देखेंगे तो दोनों में से यहाँ से संभव की फॉर्म काफ़ी अच्छी है, तो मैं फ़िलहाल इनको ही लेके चल रहा हूँ। बैटिंग में रामामूर्ति एक मस्त ऑप्शन होने वाले हैं, ओपन करेंगे, लास्ट रन में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले 27 रन इन्होंने करे, 58 रन इन्होंने करे दोस्तों, 4 रन इन्होंने करे, 26 रन करे, फॉर्म अच्छी चल रही है, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। इनके अलावा विशागन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन यार बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इसलिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। इनके अलावा वेंकटेश का ऑप्शन होने वाला है, सेम बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहेगा। बैटिंग में अगर आप देखोगे जिसको आप रख सकते हो मेरे हिसाब से, तो वो होने वाले हैं एक यहाँ पे राम प्रकाश दोस्तों, ये आपको नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 17 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 29 रन करे, फिर 3 रन करे, 5 रन करे, 0 रन करे, हार्ड हिटर बैट्समैन है वैसे तो, मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, हमारे ट्रंप प्लेयर होने वाले, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है, दो हमारे बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर में ए शर्मा आपके लिए मस्त ऑप्शन है, जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ओपन करेंगे प्लस बॉलिंग करवाते, लास्ट रन में 47 रन करे, उससे पहले 17 रन इन्होंने करे थे, फिर 7 रन करे, 62 रन इन्होंने करे, 32 रन करे, लास्ट रन में बॉलिंग नहीं करवाई, उससे पहले 4 मैचेस के बारे में बात करें तो 7 विकेट इन्होंने निकाले थे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जयशंकर आपको नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 8 रन करे, उससे पहले 1 रन करे, फिर 4 रन करे, लास्ट 5 में से सिर्फ 3 ही मैचेस में बॉलिंग करवाई और 4 विकेट निकाले, मैं अभी तो इनको टीम में लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है या फिर बॉलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तो उस अपडेट के हिसाब से मैं फाइनल डिसीजन टेलीग्राम पर बता दूंगा इनको रखना या नहीं रखना, उसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। इनके अलावा यहाँ से राजाराम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लास्ट मैच के बारे में बात करें तो बैटिंग आई नहीं थी और बॉलिंग इन्होंने नहीं करवाई, बाकी तो ये बॉलिंग भी करवा लेते और बैटिंग भी आपको करते हुए नजर आ जाते, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। दोस्तों रीसेंट के बारे में बात करें, 7 रन इन्होंने करे, उससे पहले 6 रन करे, फिर 10 रन इन्होंने करे, 21 रन करे, वहीं लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी, उससे पहले भी नहीं करी थी, उससे पहले कुछ मैचेस में कर रहे थे, मैं इनके ऊपर अभी रिस्क लेके चल रहा हूँ। दोस्तों एस गुरविंदर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का परफॉर्मेंस रहेगा, इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहा था दोस्तों इनका, और वहीं पे अगर मैं बैटिंग से अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे था और बैटिंग इनकी आई नहीं थी, वहीं बॉलिंग से भी देखोगे तो लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाई, रीसेंट के 2-4 मैचेस में बॉलिंग नहीं करवा रहे ना बैटिंग करने आ रहे, अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, अगर बैटिंग करने आते या बॉलिंग करवाएंगे मेरे पास अपडेट होगा तो मैं इनको ट्राई कर लूँगा, फिर आपको अपडेट कर दूँगा कि इनको रखना है नहीं रखना।
इनके अलावा आपके पास अक्षांत का ऑप्शन होने वाला है, पहले तो ओपन भी कर रहे थे, अभी तो नीचे बैटिंग ऑर्डर रहेगा नंबर 7-8 पे, इसलिए मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा। बाकी वैष्णव का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे रहेगा, लास्ट ओवर में 12 रन करे, उससे पहले 18 रन करे, फिर 34 रन करे, 0 रन करे, वहीं रीसेंट के 4 मैचेस में 1 विकेट भी निकाले। अच्छी बात यह है कि बैटिंग बॉलिंग करेंगे, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। इनके अलावा जय सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले थे, रीसेंट के 5 में से 3 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए इन्होंने 5 विकेट निकाले। पहले टीम बॉलिंग करेगी तो मैं रखूंगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल 4 ऑलराउंडर मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं बॉलिंग के बारे में बात करें, प्रसाद आपके लिए मस्त ऑप्शन है, नंबर 5-6 पे बैटिंग प्लस बॉलिंग करके देंगे। लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, लेकिन इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सुब्रमण्यम कनन स्पिन बॉलिंग करवाएंगे, विकेट टेकर बॉलर है, रीसेंट के 5 मैचेस में कंटिन्यू विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। और रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, अभी तक 11 विकेट निकाल चुके हैं। वो पटनी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे, लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। लव कुमार लास्ट मैच में हमारे वॉइस कैप्टन थे, वो 2 विकेट भी इन्होंने निकाला था, डेथ में बॉलिंग करवाते, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में हम बात करें 10 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। इनके अलावा देखोगे यहाँ पे पी वगानी लास्ट मैच में हमारे ट्रंप प्लेयर थे, और इन्हीं की वजह से हम जीते थे, और 1 विकेट इन्होंने निकाला था, लास्ट मैच 1 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। पहले बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी MD का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लास्ट ओवर में 3 विकेट निकाले, रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में बात करें, अभी तक 10 विकेट ये निकाल चुके हैं दोस्तों। बाकी अगर देखोगे यहाँ से एस सिंह का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है, सुदर्शन सिंह लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें 4 विकेट निकाले, ये बैटिंग भी करके दे देते हैं आपको, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं आपके लिए। बाकी शिंदे का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ओवर वगैरह कर सकते हैं, लास्ट ओवर में 1 विकेट जरूर इन्होंने निकाले थे। एन कुमार का ऑप्शन है, लेकिन इनके भी ओवर वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। अजय कुमार पहले बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले हैं। फिलहाल मैं जिनको अपनी टीम में रखूंगा, एक प्रसाद होने वाले, सुब्रमण्यम होने वाले, अभी के लिए मैं लव कुमार को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ से जो है आप MD को भी अपनी टीम में रख सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। बाकी सिंह भी है, लेकिन मैं MD को रख रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, ए शर्मा से अच्छा मुझे कोई इस मैच में कैप्टन कोई लग नहीं रहा। वहीं वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, सुब्रमण्यम के साथ आप जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रसाद भी एक अच्छे ऑप्शन है, MD भी अच्छे ऑप्शन है। फिलहाल जिनको मैं करूँगा दोस्तों, MD को कर रहा हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन टॉस के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी के लिए यह हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल दोस्तों। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।